हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। गाइस, मैं आपका होस्ट डॉक्टर सरदार चौधरी और मेरे साथ है राशिका फ्रॉम किर्गिस्तान। हाय एवरीवन, माय नेम इज राशिका गोयल। आई एम फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज कस्मा, दैट इज किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी। इट इज इन बिश्केक, किर्गिस्तान। आई एम फ्रॉम द बैच 2018। हाँ, सो राशिका, पहला क्वेश्चन आपसे मेरा यही था कि आपने कब सोचा कि एमबीबीएस करनी है और कब आपके दिमाग में आया कि फैमिली के प्रेशर से कराया कि एमबीबीएस किया या खुद चॉइस है? नहीं, मेरे फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था, मैंने एमबीबीएस खुद से किया है। वो होता है ना कि बचपन में लोग पूछते हैं कि तुम एक बड़े होके क्या बनना है, तो बच्चे कभी कुछ बोलते हैं, फिर 2 साल के बाद अपना उन्हें कुछ और समझ आता है, फिर वो कुछ और बोलते हैं। लेकिन मेरा क्या था, बचपन से मुझे बस एक ही चीज था दिमाग में कि मुझे डॉक्टर बनना है। नो स्पेसिफिक रीजंस, बस एक ही चीज था दिमाग में, डॉक्टर बनना है। आप तो किस बस चीज से उसी को मोटिवेट फॉलो होते हैं करते करते पढ़ने के लिए? मतलब होता है ना कि लाइक हम किसी को देखते हैं और फिर हमें लगता है कि इन जैसा बनना चाहिए। आप किसे किसे देख के ऐसा सोचा था आपने कि डॉक्टर बनना है? मेरे फैमिली में मैं फर्स्ट डॉक्टर ही हूँ, ओके तो ओके फैमिली में तो कोई नहीं है। बस ये है कि मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे, मतलब हैं अभी भी बोलते हैं, कि मेरी पोती बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी तो सबका नाम होगा। तो बस उनसे मिल जाता है थोड़ा तो मोटिव। अच्छा, इसीलिए मतलब दादा की बात दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करी आपको और आपने सोचा कि हाँ ठीक है, डॉक्टर ही बनती हूँ। बचपन में होता है ना, जैसे कोई बड़े के बोल देते कि ये बनना है, फिर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें आती रहती है कि यही बनना, यही करना है। तो हाँ यार काफी लोग मतलब और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने किर्गिस्तान क्यों चॉइस करा? मतलब कि और भी फॉरेन कंट्रीज हैं, इंडिया प्राइवेट भी है ना, तो क्या सोच के आपने किर्गिस्तान चॉइस करा? देखिए, फर्स्ट टाइम तो जैसे मैंने 12th क्लियर किया था 2017 में, उसके बाद 12th क्लियर करते ही मैंने फर्स्ट बिना प्रिपरेशन किए मैंने नीट की एग्जाम दी थी। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे क्योंकि प्रिपरेशन नहीं करी थी, 200 समथिंग मार्क्स आए थे। उसके बाद फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, जैसे सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे कोटा जाते हैं, मैं भी कोटा गई थी। उसके बाद वहाँ से फिर प्रिपरेशन करने के बाद भी कुछ 400 अराउंड मार्क्स आए थे। तो इतने मार्क्स लाने के बाद फिर जब वो काउंसलिंग चल रही थी उस टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, कुछ रिजर्वेशंस के चक्कर में नहीं मिल पाया, तो इसकी वजह से फिर पेरेंट्स ने बोला था कि 1 साल और ड्रॉप लेके देख लो कहीं हो जाए। फिर मैं सोचा कि 1 साल और ड्रॉप लेना है, फिर कुछ मार्क्स आएंगे, फिर कट ऑफ हाई हो जाएगा, कुछ फ़ायदा है नहीं। इसलिए फिर म्यूचुअली डिसाइड हुआ, मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने, पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि चलो बाहर का ट्राई करते हैं। तो फिर आपने कुछ लोगों से किर्गिस्तान किसने बोला था कि किर्गिस्तान चॉइस करो? मतलब आपने बहुत सारी कंट्री देखी होंगी, आपको किर्गिस्तान में क्या बेहतर लगा जो आपने चॉइस किया किर्गिस्तान? यहाँ पर जैसे मैंने सुना था, लोगों ने बताया था कि, और कुछ मेरे टाउन में भी कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं पहले से, तो उन्होंने बताया था कि ये सेफ कंट्री है, कि यहाँ पे ऐसे कुछ इशू नहीं है, गर्ल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सब लेके मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके तो आपकी आपकी कॉलेज का क्या एमसीआई रिजल्ट क्या है, एफएमजी रिजल्ट क्या है, मतलब लास्ट 10 ईयर का ओवरऑल देखा जाए तो? हमारे कॉलेज से काफी अच्छा रिजल्ट, पिछले बार भी, अभी लास्ट FMG में हाईएस्ट था, आई गेस 240 था शायद, एक लड़की का आया था। तो पासिंग मार्क, पासिंग भी वो हाई है। चलो अच्छा, ये भी पासिंग मार्क्स भी आपका अच्छा है आपके, मतलब हाँ ये भी ठीक है। और स्टडी पैटर्न आपको, मतलब जब आप गए थे वहाँ तो बेसिकली आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ था या जैसे बहुत लोग जाते हैं ना एमबीबीएस जाते हैं, एजेंट बहुत फ्रॉड करते हैं, आपके दोस्तों के साथ या आपके साथ कोई हादसा हुआ तो आप बता सकते हो ऑडियंस को कैसे उस चीज से बच सकते हैं जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं? फ्रॉड तो मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो ऐसे बच्चों को बोलते हैं कि ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो सर्विस देंगे, उनके बदले में मतलब ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। फिर वो पैसे ले लेते हैं, फिर सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, और उसके बाद फिर जब वो बैच भेज देते हैं उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं, ना कॉल्स रिसीव करते हैं ना कुछ। तो ऐसा कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसा करते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसी कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। ओके मैं मतलब मेरा तो ये सजेशन है कि अगर जैसे राशिका ने बताया कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, अगर हम किसी स्टूडेंट के थ्रू कनेक्ट करें और उनके थ्रू जाएं तो होपफुली मतलब बहुत कम चांसेस रहेंगे फ्रॉड होने की, मुझे ऐसा लगता है कि उनके छोटे भाई बहन जैसे ही अपकमिंग जो स्टूडेंट आ रहे हैं लाइक आपसे कोई पूछ के जाएगा तो फ्रॉड होने कम चांस होंगे। कह सकते हैं कम चांसेस हो। तो बेसिकली वहां का स्टडी पैटर्न क्या है फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक? इंडिया में जैसे कि होता है कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉफ में, सेकंड प्रॉफ में, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। प्रॉफ के एंड में जो एग्जाम्स होते हैं उनमें वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आते हैं। और यहाँ पे ऐसे पढ़ाई होती है कि यहाँ पे सिस्टम वाइज पढ़ाई होती है,
जैसे कि किसी सेमेस्टर में उन्होंने एक पर्टिकुलर सिस्टम उठा लिया, जैसे जीआईटी उठा लिया, तो जीआईटी के मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, ये सारी कराते हैं। और फिर जब एग्जाम होता है तो सिस्टम का एग्जाम होता है, जैसे कि जीआईटी का एग्जाम हो रहा है, सीबीएस का एग्जाम हो रहा है, वैसे यहाँ पर होता है। ओके, ये तो अच्छा पैटर्न है यार, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लगता होगा, काफी मजा आता होगा जब एक एक सिस्टम वाइज पढ़ाई होती होगी। हाँ, तो एक सिस्टम के बारे में हमें सब समझ में आता है एक बार में, कि उसके ड्रग्स क्या है, फार्मा में मेडिसिन क्या है उसकी, तो वो क्लियर होता है, तो ये भी अच्छा लगता है मुझे। कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पर ना, सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के अलग अलग सब्जेक्ट्स बना रखा है। जैसे कि इंडिया में बात करें तो सिर्फ पीएसएम है, यहाँ पे पीएसएम को छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे एविडेंस बेस्ड को अलग सब्जेक्ट बना दिया है, स्टैटिस्टिक्स को अलग सब्जेक्ट बना दिया है, वैसे करके। तो बेसिकली सिस्टम अच्छा। और वहाँ कितने साल की एमबीबीएस है आपके किर्गिस्तान में? 5 years की। 5 years के, और वहाँ 5 years के बाद इंटर्नशिप भी होती है या इंडिया में आके इंटर्नशिप करनी होती है आप लोगों को? मतलब एफएमजी पर करनी होती है इंटर्नशिप, है ना? हाँ। एफएमजी से पहले भी जैसे चाइना में होता है कि एक साल की वहाँ इंटर्नशिप कराते हैं, एक साल की यहाँ कराते हैं, तो वहाँ कैसे सिस्टम है? नहीं, यहाँ पर इंटर्नशिप का कोई सीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें हॉस्पिटल में मतलब कुछ पेशेंट्स दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। जैसे छुट्टियों में भी हमें हॉस्पिटल में लेकर गए थे, 1 महीना 1.5 महीना ऐसे करके वो लेके जाते मतलब हैं। बेसिकली इंडिविजुअली इंटर्नशिप नहीं होती है वहाँ, मतलब 5 साल के एमबीबीएस के बाद तुम इंडिया आ सकते हो और एफएमजी निकाल अपना एग्जाम देके यहाँ के इंडिया की इंटर्नशिप पढ़ सकते हो। ओके, मतलब एक रीजन आपका ये भी होगा किर्गिस्तान में कि 5 साल के एमबीबीएस है वहाँ। हाँ, 5 साल पहले तो यहाँ 6 साल की होती थी, तो ओके, मेरे कॉलेज में मेरे से पहले वाले बैच की 6 साल की होती थी, मेरे बैच से ही 5 साल की हो रही थी। चलो आपका अच्छा हो गया, काफी अच्छा रहा। हाँ। तो वहाँ का फूड का फूड कैसे रहता है? मतलब नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, हलाल, और जैसे कि आप नॉन मुस्लिम और मुस्लिम कंट्री में हो तो आपके साथ कैसा बर्ताव है, ये सब चीजें बताइए। जैसे यहाँ पे हाँ, मुस्लिम पॉपुलेशन तो है, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये लोग ऑर्थोडॉक्स हैं या फिर बैकवर्ड हैं। यहाँ के लोग मतलब बहुत मॉडर्न हैं, और मतलब खाने पीने की चीज़ें, अगर जब मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन थोड़ा मिलना मुश्किल होता है। अदरवाइज यहाँ पे चिकन मिलता है, बीफ मिलता है, और तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुस्लिम्स हैं वो हलाल प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे हलाल चीज़ें ही मिलती है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी मुस्लिम है, तो स्पेसिफिकली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हलाल ही मिलता है। ओके, तो वहाँ बीइंग अ रिलीजियस, जैसे कि आप हिंदू हैं और मुस्लिम कंट्री है, तो आपके साथ कोई डिफरेंट बर्ताव और आप कैसा, मतलब वहाँ कैसा आपको कभी अनकंफर्टेबल फील हुआ, लाइक लगा है कि मैं मुस्लिम कंट्री में हूँ और मुझे नहीं आना चाहिए था, कभी ये रिग्रेट हुआ है वहाँ रह के आपको? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा यहाँ पे। कभी? ऐसे नहीं, यहाँ रिलीजन को लेके कोई इशू नहीं है, यहाँ हाँ पे सब कंफर्टेबल है एक दूसरे से। और ओके, बाकी जो कुछ हाई रिलीजियस पीपल सब जगह ही होते हैं, हाँ जो वो तो अपने हर धर्म जगह, को मानते वैसे भी हैं, आपको तो कभी इशू नहीं आया वहाँ किर्गिस्तान में रहते हुए, नहीं, लाइक बिल्कुल लगा नहीं कि कभी रिग्रेट नहीं हुआ? नहीं। ओके, और वहाँ का लाइफ एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, मतलब वहाँ के एक्सपेंसेस, मतलब पहले बेसिकली हम लाइफ एक्सपीरियंस पर आते हैं, आपका ऑल ओवर लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा, और लैंग्वेज बैरियर कभी आया हुआ रह के नहीं आया ये तब? जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे, बेसिकली जब हम लोग फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आए थे, उस टाइम पे हमें एक अलग कैंपस में रखा गया था, मेन कैंपस से दूर थोड़ा, एक अलग कैंपस में, सिर्फ वहाँ पे फर्स्ट ईयर के बच्चे थे। तो इसे एक तो फायदा ये है कि यहाँ पे उसकी वजह से यहाँ बुलिंग और रैगिंग नहीं हो पाया फर्स्ट ईयर बच्चों का, जो कि बहुत अच्छी बड़ी बात है, मेडिकल कॉलेज में तो बहुत रैगिंग होता है। तो फिर हाँ यहाँ पे, क्योंकि उस कैंपस में सीनियर्स के भी ऐसे ओपन एंट्री नहीं है, आईडी दिखा के एंट्री मिलती है, तो वो भी सही है। फिर से फर्स्ट ईयर के बाद, फिर जब हमें यहाँ मेन कैंपस में शिफ्ट किया गया, उसके बाद फिर यहाँ पर आप चाहो तो हॉस्टल लेके रह लो, चाहो तो फ्लैट्स में रह लो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। फर्स्ट ईयर में जैसे हमें लैंग्वेज का बैरियर तो ऑब्वियसली था, फॉरेन कंट्री में जाओगे तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो रहेगा ही, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमें लैंग्वेज सिखा गया, जैसे रशियन है, रशियन यहाँ चलती है, और एक यहाँ की लोकल लैंग्वेज है किर्गिज, वो चलती है। तो ये दोनों लैंग्वेज हमें फर्स्ट ईयर में सिखाया गया था, ताकि हम ऐसे लोकल कॉन्वर्सेशन कर सके, कुछ बाइंग सेलिंग है वो सब है, कुछ कहीं जाना आना है, तो उतना हमें सिखाया गया था यहाँ पर। ओके, तो मतलब बेसिकली ज्यादा इशू नहीं है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख लो तो हो जाता है। वहाँ का लैंग्वेज का कोई एग्जाम होता है या? हाँ, लैंग्वेज का एग्जाम फर्स्ट ईयर में होता है, अगर लैंग्वेज का एग्जाम जैसे क्लियर नहीं करें और चलते रहें वहाँ हो पाएगा एमबीबीएस? नहीं, लैंग्वेज क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसे चाइना में है कि वहाँ पे फिर चाइनीज में ही सिखाते हैं, हाँ लेकिन यहाँ कम से कम इंग्लिश कोर्स है, आपको सिर्फ लैंग्वेज इसलिए सिखा देते हैं ताकि आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। ओके, ओ जैसे चाइना में तो फोर्थ ईयर तक कभी भी तुम पास कर सकते हो एग्जाम, आपके यहाँ फर्स्ट ईयर में एग्जाम पास करना लैंग्वेज में जरूरी होता है क्या?
फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि फिर वो एक ही साल सिखाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर से फिर वो सब्जेक्ट्स पे फोकस करने लगते हैं। ओके और वहाँ के एक्सपेंसेस, मतलब वहाँ को फूड एक्सपेंसेस हम बेसिकली पूछें तो फूड का एक्सपेंस कितना आ जाता है आपका मंथली ऑन एन एवरेज? फूड देखा जाए तो थोड़ा सा कॉस्टली है यहाँ पर, जो चीजें इंडिया में ऐसे नॉर्मली सस्ती मिल जाती है वो चीजें थोड़ी सी महंगी है यहाँ पर। इंडियन करेंसी में वहाँ कितना आ जाता है आपका ऑन ओवर एवरेज? एवरेज अगर बात करें तो रेंट वेंट मिला के, रेंट वेंट मिला के, रेंट फूड सारा मिला के 16,000 में चला सकते हैं, एक 16-17, स्टूडेंट? हाँ एक स्टूडेंट का। ओके ओके अच्छा, ये भी ज्यादा नहीं है। और बट आप थोड़ी बहुत जो डेली एक्सपेंसेस है वो थोड़ी सी कॉस्टली लगती है, हाँ वो तो अपने जैसे हाँ अब इंडिया में बात भाई करें तो पर यार 10 रुपए में कितना कुछ मिल जाता है, एग्जैक्टली स्नैक्स मिल एग्जैक्टली जाते हैं। बेसिकली यहाँ स्नैक्स की प्रॉब्लम है थोड़ी, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें थोड़ा इंडियन टेस्ट है, तो इंडियन टेस्ट नहीं मिल पाता है बस। हाँ बेसिकली थोड़ी थोड़ी तो समस्या भर हर जगह आती है भारत, पर ऑन एवरेज देखा जाए तो सही है। मतलब अब तो आपका कंप्लीट हो गया तो खुशी है इंडिया में आने की। एक तो प्रेशर भी होगा कि FMG निकालना है, FMG बहुत टफ है, बहुत टफ बहुत हो जाएगा। ज्यादा। अब जैसे काफी स्टूडेंट्स हैं 16,000 रुपए एफोर्ड नहीं कर पाएंगे वहाँ, मतलब बहुत मिडिल क्लास है, सब अपना बजट लेके चलते हैं। तो वहाँ कोई बच्चा पार्ट टाइम जॉब करना चाहे, पार्ट टाइम जॉब करने का टाइम मिलता है और लीगल है या नहीं? नहीं, पार्ट टाइम जॉब तो लीगल नहीं है, होता है तो पार्ट टाइम जॉब लीगल नहीं है, लेकिन हॉस्टल वगैरह सस्ता है यहाँ पर, हॉस्टल का ज्यादा कॉस्ट नहीं है, तो जिनको फ्लैट्स पे महंगा लग रहा है वो हॉस्टल में रह सकते हैं, हॉस्टल में इसी से। कितना एवरेज रहता है मंथली? हॉस्टल में मंथली सिर्फ हॉस्टल का रेंट है 2,000, तो 2,000 दैट इज ओनली? अ ओके कितने कितने बेडरूम होता है? हॉस्टल में सिंगल नहीं, सिंगल नहीं है, डबल है, 3 पर्सन का है, 4 पर्सन का है। ओके और मैस का चार्ज कितना रहता है? जैसे 2,000 रुपये तो अपने कहीं से रहने के हो गए हॉस्टल में, और मैस का कितना रहता है? मेस का यस $150 पर मंथ। ओके ऑन एन एवरेज इतना ही है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हुआ है कि लाइक वहाँ की फीस फीस स्ट्रक्चर क्या है आपके आपके कॉलेज की, और जो लो कॉस्ट वाले हैं उनकी कॉलेज की और हाई वाले की? ये हमारे कॉलेज का तो फीस जैसे कि अगर पूरे 5 ईयर का मिला के देखें तो 25 लाख में ट्यूशन फीस हो जाती है, और उसके अलावा अगर आप हॉस्टल में रहना चाहो तो और मेस वगैरह का सब मिला जुला के 30 लाख, 32 लाख में हो जाएगा। बाकी तो फिर वही है कि जो बच्चे अपने घर से जितना अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से उनका एक्सपेंसेस होता है। और ओके फिर एक लो एक्सपेंस वाला भी कॉलेज है, जैसे वो एशियन मेडिकल कॉलेज है, तो उनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम है, और एक और है ISM, तो उनका भी रफली जितना हमारा है उतना भी उनका भी उतना ही है। बाकी तो बेसिक बात ये है कि कॉलेज का फीस थोड़ा कम ही है, बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स बीच में आ गए हैं तो वो थोड़ा हाँ थोड़ा उनके हो जाता है। मैंने मतलब ये पॉडकास्ट सीरीज चालू किया ताकि स्टूडेंट अवेयर हो, और जो वहाँ भैया और दीदी उनके मतलब सीनियर पढ़े हो तो उनसे कांटेक्ट में रह के कुछ एक्सपेंसेस मतलब जाने के वहाँ कम कर सकते हैं। मतलब जो बीच में बैरियर आता है ना पैसे का, वो 4-5 लाख रुपए डिफरेंस बहुत आ जाता है, और एक एवरेज का बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है उसके लिए 4-5 लाख बहुत मायने रखते हैं। यहाँ पर जैसे कि कॉलेज की सारी चीजें अब वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वही वही हैंडल करते हैं, तो उनके थ्रू ही करवानी पड़ती है सारी चीजें, तो कोई इसलिए खर्च करना पड़ता है स्टार्टिंग में। हाँ ओके मतलब कुल मिला के ये है कि अगर स्टूडेंट से भी कुछ थोड़ा आइडिया ले लो तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाता है। जैसे मेरा हाँ छोटा यूक्रेन गया है, इवन मैं खुद मतलब MBBS कर रहा था उस टाइम, मेरा छोटा भाई यूक्रेन गया था उस टाइम भी कॉन्ट्रेक्टर ने अच्छे खासे पैसे खा लिए थे। अगर हम किसी स्टूडेंट से टच में होते तो थोड़े बहुत नेगोशिएट हो जाते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्टर को जो फी देते हैं वो नेगोशिएट कर सकते हैं, वो कम लगेगा एक्सपेंस में। उसके अलावा फिर वो कॉन्ट्रैक्टर छोटी छोटी बातों के पैसे लेते हैं, वो कम एग्जैक्टली वो नहीं एग्जैक्टली लगता। इसलिए मैंने ये सीरीज चालू किया ताकि लोग अवेयर हो अब्रोड के लिए, कि अगर जा भी रहे हैं तो एक अच्छी राह अच्छे गाइडेंस के साथ जाएं। तो आपने जो अभी तो नीट का एग्जाम हो चुका है 7 तारीख को, अब रिजल्ट भी आया है कुछ दिनों बाद, बहुत लोगों के 200-300 नंबर भी आएंगे, बहुत लोग अच्छे मार्क्स भी दे आएंगे, क्योंकि अराउंड 25 लाख स्टूडेंट ने दिया है, सभी का तो सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, और इंडिया में होने भी बहुत लोगों का इम्पॉसिबल है कि प्राइवेट में भी फीस ज्यादा है। तो आप अपने स्टूडेंट्स को जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे लास्ट में? नीट के एग्जाम में कंपटीशन तो है ही, जब मैंने एग्जाम दिया था तभी 11 लाख बच्चों ने दिया था, और अभी आपने कहा कि इस साल 25 लाख बच्चों ने दिया है, तो कंपटीशन है ही, सीट्स इतने अवेलेबल है नहीं, तो अगर किसी बच्चे का मन है, अगर उसको कॉन्फिडेंस है कि वो तैयारी करके अगले साल क्लियर कर सकता है, तो कोई इशू नहीं है, वो अगले साल जॉब लेके वापस प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन अगर
थोड़ा सा डाउट है या फिर उसके उसे लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, जैसे लड़कियों को होता है ना कि मेरे पास टाइम कम है, तो वो चाहे तो वो आ सकती है अब्रॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे गर्ल्स सेफ्टी का तो कोई इशू ही नहीं है. जैसे बहुत पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं ना कि मुस्लिम कंट्री है वहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है या फिर ऐसा वैसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ. बल्कि लड़कियाँ ज्यादा सेफ हैं, लड़कों से ज्यादा सेफ हैं लड़कियाँ. और यहाँ पे एकदम आराम से रात में भी आप निकल जाओ, कोई इशू नहीं है, कोई किसी से कुछ नहीं कहता, सब मतलब खुद में बिजी है, कोई किसी से कुछ नहीं कहता है. तो हाँ अब्रॉड भी एक अच्छा ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इंडिया में ट्राई करो, गवर्नमेंट मिल जाता है तो वो तो बेस्ट है फिर. वो बेस्ट है, मतलब अगर आप, वो तो बेस्ट है ही, अगर आप अब्रॉड भी जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डाउट में ना रहें, अगर जाने का मन है तो जाके अपना ड्रीम कंप्लीट करें। बहुत से लोग होते हैं कि यार अब्रॉड से अच्छा मैं बीएमएस कर लूं, नहीं भाई, अगर तुम्हें एमबीबीएस ही करना है तो अब्रॉड जाके एमबीबीएस कर सकते यस, हो। बीएम्स वो तो एमबीबीएस अलग है, दोनों का रुतबा अलग है. और राशि का बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट कर, होपफुली नेक्स्ट टाइम भी कभी करेंगे। जी श्योर, थैंक यू. मुझे भी बाय, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके. ठीक है, गुड लक एफएमजी के लिए, एफएमजी का द्वारा पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। श्योर, थैंक यू. वेलकम।